अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन सोशल मीडिया। दोस्तों आज हम दो से तीन टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक आपको मैं समझा देता हूं कौन कौन से हैं। पहला टॉपिक ये है कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो बैन किस तरह होते हैं, अगर बैन हो जाए तो हम उसको अनबैन कैसे करेंगे, एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक ये है कि जो फेक व्हाट्सएप के अकाउंट बनाते हैं कि वो नंबर हमारे ज़्यादातर बैन क्यों होते हैं, दो चीज़ें होंगी, तीन चीज़ें ही हैं। आजकल पाकिस्तान में ये चल रहा है कि आपको कॉल आती है आपका नंबर पीटीए की तरफ से रजिस्टर नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि अपना मोबाइल पीटीए की तरफ से रजिस्टर करें आपको एक एसएमएस आएगा, आप एसएमएस सेंड करें, सेंड करते हैं तो आपका उसी टाइम व्हाट्सएप का नंबर बैन हो जाता है। अगर आपका वो नंबर बैन होता है तो आप उसको अनबैन कैसे कर सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं हमारा व्हाट्सएप का नंबर बैन क्यों होता है। जो हमारे पर्सनल नंबर होते हैं यानी कि पाकिस्तान की जो अपने हमारी सिम होती है पर्सनल जो नंबर होते हैं वो बैन कैसे होते हैं, वो बैन इस तरह होते हैं कि अगर आप किसी को एसएमएस सेंड करते हैं, एसएमएस सेंड करने से मुराद कोई अननोन बंदा है, आप वो नहीं जानता, आप उसे तंग करते हैं एसएमएस करते हैं, अगर वो आपको एक रिपोर्ट कर दे तो आपका व्हाट्सएप का अकाउंट बैन हो जाएगा। आप इसी तरह किसी का भी व्हाट्सएप का नंबर बैन कर सकते हैं, अगर उसने आपका नंबर सेव ना किया हो और आपने उसका नंबर सेव ना किया हो तो आप उसको एक रिपोर्ट करेंगे उसका व्हाट्सएप का नंबर बैन हो जाएगा, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई भी ग्रुप में ऐड हैं, कोई भी ग्रुप में, कोई से मुराद 18+ ग्रुप में अगर आप ऐड हैं तो ऐड होने के बाद अगर आप किसी भी पर्सनल को वहाँ पर्सनली मैसेज करेंगे करने के अगर वो बात करना चाहे तो ठीक, चाहे या चाहे ठीक, अगर ना करें अगर वो आपको रिपोर्ट कर दे तो आपका व्हाट्सएप का नंबर बैन हो जाएगा। ये होता है हमारा जो पर्सनल नंबर होता है ना सिम का, ये वो नंबर आपके इसी तरह बैन होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो स्कैमर होते हैं वो आपका व्हाट्सएप का नंबर कैसे बैन करते हैं, तो मुझे 5-6 कल की कॉल आ चुकी है कि भाई हमारा व्हाट्सएप का नंबर बैन हो चुका है, तो हमें कोई मशवरा बताएं हैं कि हम क्या करें, हमें कॉल आई है हम उनका क्या करें, हमको कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैंने उनको बताया कि यार थोड़ा सा होशियार है हर रहा करें कि पाकिस्तान यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे मुराद ये है कि उसको एक कॉल आती है, कॉल आने के बाद वो बता रहा है कि भाई आपका नंबर, आपका जो मोबाइल है उसका IMEI नंबर पीटी की तरफ से रजिस्टर नहीं है, तो अगर आपका मोबाइल आज 12 मार्च से पहले पहले अगर आप चाहते हैं कि रजिस्टर हो जाए खुद ब खुद तो आपके एक नंबर पे एक SMS वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप वो सेंड करेंगे तो आपका मोबाइल रजिस्टर हो जाएगा। पहली बात यह है कि PTA की तरफ से आप कोई भी मोबाइल रजिस्टर नहीं हो रहे, बिल्कुल फ्री हो चुका है, अगर जो नंबर बंद थे मोबाइल वो भी खुद ब खुद ओपन हो रहे हैं, हमारा खुद एक मोबाइल ओपन हो चुका है PTA की तरफ से खुद ब खुद। तो एक SMS आता है, SMS जैसे आप उनको सेंड करते हैं वो SMS होता है व्हाट्सएप का OTP, जैसे आप उनको सेंड करेंगे वो लगाने के बाद आपका जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उनके मोबाइल पे चला जाएगा, उनके मोबाइल पे ओपन हो जाएगा। वो अब वहाँ से क्या करेंगे, उनको क्या बेनिफिट होगा, पहला बेनिफिट ये है कि वो किसी को जल्दी SMS नहीं करते, नहीं करते क्यों नहीं पहले करते SMS, सबसे पहले ये होता है कि चांस होते हैं 80% कि आपका व्हाट्सएप का नंबर बैन हो जाए, अगर आपका व्हाट्सएप का नंबर बैन हो जाए तो ठीक, अगर बैन ना हो तो आपका व्हाट्सएप उनके मोबाइल पर चल रहा है, चलने के बाद आप उसको असेस नहीं कर सकते क्योंकि आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप के अकाउंट में 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड नहीं लगाया होता। तो जो मेरे भाइयाँ सबसे पहले सेटिंग में जाके अकाउंट में जाके 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करें, आप कोई भी 6 अंकों का कोड लगा के अपने 2-स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपका पर्सनल व्हाट्सएप का अकाउंट कोई भी यूज़ ना कर सके। तो उनके पास आपका चला गया अकाउंट व्हाट्सएप का, जाने के बाद वो आपको बोलेंगे डिमांड, तो जब आप अपना व्हाट्सएप को चलाएंगे आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा तो वो फिर आपको कॉल करेंगे, बताएंगे भाई अगर आप चाहते हैं कि हम आपको 6 अंकों का कोड बता दें व्हाट्सएप का वेरिफिकेशन तो आप हमें 1000-2000 रुपये सेंड करें, इसी पैसा करने के बाद हम आपको आपका जो व्हाट्सएप का 6 डिजिट्स का OTP है ना वेरिफिकेशन कोड 2-स्टेप वाला वो हम आपको बताएंगे, आप हम व्हाट्सएप असेस कर सकते हैं। जब उनको बोलेंगे नहीं भाई मैं नहीं सेंड करूंगा ये वो, तो वो क्या करेंगे, तो जो इनके आप करीबी दोस्त होंगे जो आपको डेली SMS वगैरह करते हैं तो वो उनसे बात करेंगे फिर वो हो सकता है वो उनसे पैसे भी मंगवा लें क्योंकि नंबर तो आपका होगा साथ प्रोफाइल भी आपकी, बात वो आप ही करेंगे, उसने तो ये समझना है कि भाई वो आप हैं। इसी तरह आप लोग स्कैमर से बचें, कोई भी अननोन आपको कॉल करता है, कोई भी कहता है कि भाई आपका इनाम निकला है, हम इजी पैसा की तरफ से बोल रहे हैं, हम जीतो पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, हम बेड इनकम सपोर्ट की तरफ से बोल रहे हैं, हम एहसास की तरफ से बोल रहे हैं, सास प्रोडक्ट की तरफ से, कोई भी बोले आपने उसकी बातों पर यकीन नहीं करना। अगर होता है तो सिर्फ आपको कंपनी के नंबर से एक SMS आता है,
तो वो अगेन आपको ये नहीं कहते कि आप इस नंबर पर रब्ता करें, सिर्फ आपको SMS आता है कि आपका ये इनाम निकला है, तो वो खुद ब खुद आपको कॉल करते हैं। ये नहीं कहते कि भाई आप इनको कॉल करें, वो खुद ब खुद आपको कॉल करते हैं और आपका इनाम आप तक पहुँचा देते हैं। ये दो टॉपिक हो गए मेरे, जो एक टॉपिक रह गया हमारा वो ये है कि जो हमारा फेक व्हाट्सएप का अकाउंट क्यों बैन होता है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम जब भी कोई भी एप्लीकेशन से नंबर लेते हैं ना, फेक व्हाट्सएप का नंबर लेते हैं हम, उस पर व्हाट्सएप का अकाउंट बनाते हैं, वो अकेले हम नहीं, हम जब कोई भी एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं ना, तो जो हमारे व्यूवर होते हैं वो देखते हैं, वो आगे शेयर भी करते हैं वीडियो, जो बड़े यूट्यूबर हैं वो वीडियो बनाते हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, उस एप्लीकेशन का जब इस्तेमाल होता है तो उसके जितने भी नंबर होते हैं वो तकरीबन सारे के सारे नंबर हो रहे हैं यूज़, तो एक दो दो बार बार उसके व्हाट्सएप के जैसे उसके अकाउंट बनेंगे, अकाउंट बनते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे मैंने यूज़ किया ये नंबर, अब उसने यूज़ कर लिया, वो उसने यूज़ कर लिया, करने के बाद ऐसे जब 5-6 दफ़ा उसके पे व्हाट्सएप का कोड जाए OTP, तो वो नंबर हो जाता है बैन। तो आजकल काफ़ी नंबर हमें अनबैन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप अब तरक्की कर रहा है, अब जितने भी नंबर आ रहे हैं ना फेक एप्लीकेशन दे रहे हैं, उनका उचक मुआदा व्हाट्सएप के साथ, उन्होंने कहा हम हमारे कस्टमर कहते हैं कि हम इस पर व्हाट्सएप का अकाउंट भी बनाना चाहते हैं, तो बड़े मेहरबानी की जितने भी हमारे नंबर हैं ना आप इन सबको व्हाट्सएप के ऊपर OTP रिसीव सेंड कर दिया करें, तो अब वो ऐसे OTP रिसीव सेंड कर दिया करते हैं। इसी तरह से अब आपको काफ़ी नंबर हद तक आपको ऑन देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि जो टैक्स नाउ है और सेकंड लाइन है इनमें आपको नंबर तकरीबन बैन ही मिलता है, तकरीबन कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप का नंबर उस पर अवेलेबल नहीं है, अब आपको 100% उस पर आपको नंबर मिल जाता है व्हाट्सएप का, आप उस पर व्हाट्सएप का अकाउंट बना सकते हैं। ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।